इसराइल और हमास युद्ध की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमास के कब्जे वाले गाजा में इजरायली बलों के ऑपरेशन को कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, मगर आज भी गाजा से इजरायली सेना हमास को जड़ से खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाई है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर एक बार फिर भीषण तबाही मचाने वाली इजरायली सेना को हमास के सहयोगियों से भी खुली चुनौती मिल रही है। गाजा के रण में हमास का साथ देने के लिए ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन इजराइल टूट पड़े हैं। चारों ओर से घिरी इजरायली डिफेंस फोर्स कई इलाकों पर से अपना नियंत्रण खोती जा रही है। गाजा में एक फील्ड कमांडर ने दावा किया कि शहर के दक्षिण में फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ भयंकर टकराव के बाद इजरायली सेना आंशिक रूप से अल जैतून के आसपास के इलाके से हट गई है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक पिछले दो दिनों में प्रतिरोध ने मोर्टार गोले और एंटी आर्मर मिसाइलों का इस्तेमाल कर अल जैतून क्लिनिक के आसपास तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला किया। लड़ाकों के जबरदस्त घात लगाकर हुए हमले से इजरायल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, लड़ाकों के उग्र हमलों से बचने के लिए इजरायली कब्जे वाले टैंकों को दक्षिण में सलाह अल दीन रोड पर डौला इंटरसेक्शन के पास फिर से तैनात किया गया है। साथ ही अल जैतून में एक से ज्यादा इलाकों पर तोपखाने और हवाई बमबारी की गई है। मध्य गाजा में दीर अलबला में अलमदारिस स्ट्रीट के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा तबाही देखी गई। इससे पहले फिलिस्तीनी प्रतिरोध दक्षिण पूर्व गाजा में अल जैतून के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में इजरायली सेनाओं के साथ भीषण जंग में फंसा हुआ था। न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो प्रतिरोध सेनानियों ने अल जैतून क्लिनिक के पास कई इजरायली टैंकों को एंटी टैंक रॉकेटों से उड़ाया। साथ ही इजरायली सेना ने क्लिनिक को एक कमांड और कंट्रोल सेंटर में बदल दिया और आसपास के घरों को नष्ट कर रही है। इजरायली बलों ने अल जैतून के उत्तर तक पहुंचने के लिए खासकर अल हुरिया स्कूल और सलाह अल दीन मस्जिद के आसपास अपने तोपखाने की गोलीबारी का दायरा बढ़ा दिया है। नतीजा ये हुआ कि अल जैतून के अधिकतर इलाकों में लोगों ने अपने घर बार छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो कई घरों पर इजरायली बमबारी और 12 फिलिस्तीनियों की जान जाने के बाद हुआ है। हमास के कसम ब्रिगेड ने पिछले कुछ दिनों में अल जैतून में इजरायली सैनिकों के खिलाफ कई अभियानों की घोषणा की। अलक्सा शहीद ब्रिगेड फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के कुछ ब्रिगेड और मुजाहिदीन आंदोलन के मुजाहिदीन ब्रिगेड समेत कई अन्य गुट लड़ाई में शामिल थे। हालांकि तेल अवीव ने उन रिपोर्टों को स्वीकार नहीं किया है कि सेना अल जैतून से हट गई है। इजरायली सेना के एक अधिकारी गिवाती ब्रिगेड की तजाबार बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल अविरन अल्फासी ने द टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया कि सैनिकों को हल्के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और ये लड़ाई पहले की तुलना में बहुत कम मुश्किल है।